हेलो, आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल भूमि केमिस्ट्री में। आज अपन पढ़ रहे हैं ग्रुप 16 एलिमेंट्स के डाई ऑक्सीजन के बारे में। ठीक है, ऑक्सीजन ग्रुप 16 एलिमेंट। ठीक है, ग्रुप 16 एलिमेंट का अपन ने इससे पहले जनरल इंट्रोडक्शन पढ़ लिया, उनकी केमिकल रिएक्टिविटी पढ़ ली। अब अपन उसके कुछ कंपाउंड्स पढ़ेंगे जिसमें ऑक्सीजन डाई ऑक्सीजन आएगा, कुछ ऑक्साइड्स पढ़ेंगे और उसके बाद ओजोन पढ़ेंगे, सल्फर पढ़ेंगे। ठीक है, तो अपन आज डाई ऑक्सीजन स्टार्ट करते हैं। ठीक है, डाई ऑक्सीजन, डाई ऑक्सीजन में ऑक्सीजन और ऑक्सीजन के बीच में क्या होता है, डबल बॉन्ड प्रेजेंट रहता है। बॉन्ड ऑर्डर कितना होता है, टू होता है। बॉन्ड एंथैल्पी बहुत ज़्यादा होती है। ठीक है, और दोनों ही ये एक बहुत ही स्टेबल मॉलिक्यूल होता है। ठीक है, और एक और थिंग होती है कि ऑक्सीजन हर किसी के साथ रिएक्शन शो करता है जो कि एक्सोथर्मिक रिएक्शंस होती है। एक्सोथर्मिक का मीन मतलब एनर्जी क्या हो रही है वहाँ पे, इवॉल्व हो रही है। ठीक है, बाहर निकल रही है। तो यहाँ पे भी अपन तीन स्टेप पढ़ेंगे, प्रिपरेशन, प्रॉपर्टीज एंड उसके बाद अपन पढ़ेंगे जो है अपना प्रिपरेशन, प्रॉपर्टीज एंड यूजेस। ठीक है, तो प्रिपरेशन के बारे में बात करते हैं। तो ऑक्सीजन को प्रिपेयर करने के, डाई ऑक्सीजन को प्रिपेयर करने के दो मेथड हैं, लेबोरेटरी मेथड्स एंड इंडस्ट्रियल मेथड्स। लेबोरेटरी मेथड्स जो हैं वो फर्स्ट है कि इसके क्लोरेट्स, नाइट्रेट्स और पर मैंगनेट से आप बना सकते हो। क्लोरेट्स मतलब जैसे CLO3 वाले सॉल्ट्स, नाइट्रेट्स मतलब NO3 वाले सॉल्ट्स, NO3-। ठीक है, और पर मैंगनेट्स मतलब MnO4, है ना, MnO4- वाले सॉल्ट्स। तो आप इन सॉल्ट्स से, सॉल्ट्स को हीट करके आसानी से क्या बनाई जा सकती है, डाई ऑक्सीजन, डाई ऑक्सीजन का फॉर्मेशन किया जा सकता है। उसके अलावा हाइड्रोजन परऑक्साइड के एक्वस सॉल्यूशन से भी डाइऑक्सीजन का फॉर्मेशन किया जा सकता है। हाइड्रोजन परऑक्साइड के ऑक्सीजन सॉल्यूशन से वाटर और डाइऑक्सीजन बनती है। उसके अलावा आप ऑक्साइड से भी ऑक्सीजन बना सकते हैं। तो ऑक्साइड से आप ऑक्सीजन कैसे बनाते हैं, तो ऑक्साइड से आप उसके ऑक्साइड्स ले लीजिए। ठीक है, जो भी आपके इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में जो मेटल्स प्रेजेंट है लोअर साइड, उनके आप ऑक्साइड्स लेंगे और उसको जब हीट किया जाता है तो वहां पे मेटल और ऑक्सीजन अलग हो जाते हैं, यहाँ पे आप देख सकते हैं। ठीक है, इस तरीके से डाई ऑक्सीजन को लेबोरेटरी बनाया जा सकता है। लेबोरेटरी मेथड आप हमेशा याद रखें, एक कम अमाउंट बनाने के लिए होता है क्योंकि लैब में ज्यादा अमाउंट की आवश्यकता नहीं होती। तो लैब में कोई भी चीज अगर बनाई जाती है तो बहुत कम अमाउंट में बनाई जाती है, तो लेबोरेटरी मेथड में आपके बहुत ही कम अमाउंट में बनेंगे। ओके, देन अपन नेक्स्ट पढ़ रहे हैं इंडस्ट्रियल मेथड। इंडस्ट्रियल मेथड में क्या किया जाता है, जैसा अपन ने नाइट्रोजन में पढ़ा था कि नाइट्रोजन को लिक्विड नाइट्रोजन की फॉर्म में फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन से निकाला जाता है। ओके, तो नाइट्रोजन को लिक्विड फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन से निकाला जाता है लिक्विड नाइट्रोजन की फॉर्म में। तो जब आप इंडस्ट्रियल मेथड पे आते हैं तो इंडस्ट्रियल मेथड में सीधी डायरेक्ट क्या लेते हैं, यहाँ पे यूज एयर को यूज किया जाता है। एयर में 21% क्या प्रेजेंट रहती है, ऑक्सीजन प्रेजेंट रहती है। तो यहाँ पे क्या किया जाता है कि एयर में से फर्स्टली कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर को सेपरेट कर लिया जाता है, देन उसका फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन किया जाता है। और फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन में आपको नाइट्रोजन और ऑक्सीजन दोनों ही लिक्विड फॉर्म में मिलते हैं। ऑक्सीजन का आई थिंक आपके फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन में पॉइंट है 90 केल्विन, 90 केल्विन पे आपको ऑक्सीजन मिलती है, और इससे पहले आपको लिक्विड नाइट्रोजन मिलती है, वो मिलती है 77 केल्विन पे। ओके, उसके बाद एक और मेथड हो सकता है जिसको कहते हैं इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ वाटर। इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ वाटर कैसे अप्लाई किया जाता है कि आप दो इलेक्ट्रोड लें और वाटर को एज अ सॉल्यूशन लिया जाए और उनके बीच में क्या प्रोवाइड करवाई जाए, इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड करवाई जाए। तो इलेक्ट्रिसिटी जब प्रोवाइड करवाई जाएगी तो वहां पर हाइड्रोजन और ऑक्सीजन दोनों ही क्या हो जाएंगे, सेपरेट हो जाएंगे। और हाइड्रोजन चूंकि क्या होते हैं, प्लस होते हैं, हाइड्रोजन यहाँ पे क्या होगा, प्लस होगा, तो वो हमेशा नेगेटिव इलेक्ट्रोड की साइड जाएगा, मतलब कैथोड की साइड जाएगा। और ऑक्सीजन जो नेगेटिव होते हैं वो एनोड की साइड जाते हैं, मतलब पॉजिटिव इलेक्ट्रोड की साइड जाते हैं। ठीक है, तो ये इनके हो जाते हैं इंडस्ट्रियल मेथड की डाई ऑक्सीजन को इंडस्ट्री में कैसे बनाया जाता है। उसके बाद इनकी प्रॉपर्टीज की बात करते हैं। प्रॉपर्टीज की बात में सबसे पहली बात है, ऑक्सीजन जो होती है वो ऑर्डरलेस होती है। ऑर्डरलेस मतलब जिसकी कोई स्मेल नहीं होती, ऑर्डरलेस होती है, कलरलेस होती है, और उसके बाद उसके अलावा हाईली सॉल्युबल होती है। वाटर में हाईली सॉल्युबल ऑक्सीजन का होना ही मराइन इकोसिस्टम को हेल्प प्रोवाइड करवाता है। बाकी तो कोई भी एनिमल वाटर में कैसे सर्वाइव कर सकता है,
तो हाईली डिजोल्वेबल होती है वाटर में, इसलिए मराइन एनिमल्स जो होते हैं वो सरवाइव कर पाते हैं। ठीक है, उसके बाद बात करते हैं अपन कि ऑक्सीजन के तीन आइसोटोप्स प्रेजेंट रहते हैं, ऑक्सीजन 16, ऑक्सीजन 17 और ऑक्सीजन 18। ऑक्सीजन के तीन आइसोटोप्स प्रेजेंट रहते हैं और तीनों आइसोटोप्स में सबसे स्टेबल होता है ऑक्सीजन 16, जो अपन डेली लाइफ में देखते हैं। ठीक है, तो उसके बाद एक तो ये हो गया इसकी प्रॉपर्टी, एक प्रॉपर्टी इसकी ये होती है पैरामैग्नेटिक। डाई ऑक्सीजन का जो मॉलिक्यूल होता है वो पैरामैग्नेटिक इन नेचर होता है। आप खुद एक बार सोचिए कि यहाँ पे नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने हैं, तो ऑक्सीजन में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन हो जाते हैं 6 + 6 = 12। तो अगर 12 इलेक्ट्रॉन है तो इवन नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, इवन नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन में कोई भी मॉलिक्यूल पैरामैग्नेटिक कैसे हो सकता है, वहां पे अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन किस तरीके से प्रेजेंट हो सकते हैं। तो अगर इसका MOT डायग्राम देखा जाता है, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल डायग्राम जब देखा जाता है, तब ये देखा जाता है कि इसके एंटी बॉन्डिंग ऑर्बिटल्स में एक एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट रहते हैं। मतलब एंटी बॉन्डिंग ऑर्बिटल्स में कुछ इस तरीके से आपको अरेंजमेंट देखने को मिलता है, एक इलेक्ट्रॉन यहाँ पे, एक इलेक्ट्रॉन यहाँ पे। इस कारण ये क्या होते हैं, पैरामैग्नेटिक इन नेचर होते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे 12 इलेक्ट्रॉन होते हुए भी ये पैरामैग्नेटिक नेचर का होता है। उसके बाद इसकी प्रॉपर्टीज देखते हैं कि ऑक्सीजन जो होता है वो ऑलमोस्ट ऑल मेटल्स और नॉन मेटल्स के साथ क्या करता है, रिएक्शन शो करता है। ठीक है, अलावा कुछ मेटल्स के, जैसे आप अगर गोल्ड को निकाल दीजिए, प्लेटिनम को निकाल दीजिए, जो कि एक इनर्ट मेटल्स की फॉर्म में जाने जाते हैं, उनके अलावा मोस्टली मेटल्स के साथ ऑक्सीजन आपके रिएक्शन शो करता है। जैसे आप एल्यूमिनियम के साथ करवा दो, उसके अलावा नॉन मेटल्स के साथ रिएक्शन होती है, जैसे कार्बन के साथ रिएक्शन हो रही है, कार्बन +O2 गिव CO2, एल्यूमिनियम के साथ रिएक्शन हो रही है जिसमें एल्यूमिना बन रहा है, और फॉस्फोरस के साथ रिएक्शन हो रही है जिसमें P4O10 फॉस्फोरस का ऑक्साइड बन रहा है। ठीक है, नॉन मेटल्स में भी कुछ ऐसे एलिमेंट होते हैं जिसके साथ ऑक्सीजन रिएक्ट नहीं कर पाते हैं, जिनमें कुछ नोबल गैसेस मानी जाती हैं। क्यों, कुछ क्यों, क्योंकि ऑक्सीजन के साथ ज़ीनॉन नाम की नोबल गैस के स्टेबल कंपाउंड प्रेजेंट है। ठीक है, ज़ीनॉन जो होती है वो ऑक्सीजन के साथ कंपाउंड बनाती है, तो कुछ नोबल गैसेज जो है वो ऑक्सीजन के साथ कंपाउंड नहीं बनाती है, और कुछ नोबल गैसेस का ही अभी तक मतलब ये बचा है कि फाउंड रहा है कि ये नोबल गैसेस इनर्ट है, क्योंकि ज़ीनॉन के और क्रिप्टॉन के कंपाउंड्स पहचाने जा चुके हैं, आइडेंटिफाई किए जा चुके हैं। तो ये हो जाते हैं ऑक्सीजन की, डाइऑक्सीजन की प्रॉपर्टीज। उसके बाद अपन बात करते हैं डाइऑक्सीजन के यूजेस। तो डाइऑक्सीजन के जब यूजेस की आप बात करेंगे, तो डाइऑक्सीजन के जो यूजेस होते हैं वो इस पे बेसिस होते हैं कि सबसे पहली बात आती है कि डाइऑक्सीजन को हीलियम और कार्बन डाइऑक्साइड के साथ मिक्स करके आर्टिफिशियल रेस्पिरेशन में यूज किया जाता है। ठीक है, आर्टिफिशियल रेस्पिरेशन के लिए डाइऑक्सीजन को यूज किया जाता है। उसके बाद जब इसके और कुछ अपन देखते हैं, तो लिक्विड ऑक्सीजन का यूज किया जाता है रॉकेट फ्यूल में, जो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह काम करता है। उसके अलावा ऑक्सी एसिटिलीन या ऑक्सी हीलियम, ऑक्सी एसिटिलीन आई थिंक जो वेल्डिंग में और उसमें यूज की जाती है। तो ऑक्सीजन के जो यूजेस हैं वो भी बहुत वाइड यूज हैं। उसके अलावा ऑक्सीजन के और भी बहुत ज्यादा, सबसे मोस्ट यूज ऑक्सीजन का तो यही है कि अपन रेस्पिरेशन में यूज लेते हैं इसको, अपने नेचुरल रेस्पिरेशन में। तो ऑक्सीजन के बहुत सारे यूजेस हैं, अपन ने 2 से 3 यहाँ पे डिस्कस कर लिए हैं, बाकी अपन जो चाहे वो लिख सकते हैं इसमें, क्योंकि यूजेस में बहुत से यूजेस आते हैं। तो ये अपने डाई ऑक्सीजन जो होता है वो टॉपिक कंप्लीट होता है। इसके बाद अपन पढ़ेंगे अब ऑक्साइड्स के बारे में, कुछ सिंपल ऑक्साइड्स के बारे में पढ़ना है अपने को, ऑक्साइड्स क्या होते हैं और ऑक्साइड्स में कितने टाइप के ऑक्साइड अपने को मिलते हैं वो अपने को पढ़ना है। तो ऑक्साइड्स क्या होते हैं, एक बाइनरी कंपाउंड्स होते हैं। बाइनरी कंपाउंड्स का मतलब एलिमेंट कोई भी और ऑक्सीजन साथ में मिलकर ऑक्साइड्स का फॉर्मेशन करते हैं। ठीक है, कोई भी एलिमेंट और ऑक्सीजन साथ में मिलकर ऑक्साइड्स का फॉर्मेशन करते हैं। जैसे आपने कार्बन प्लस ऑक्सीजन कर दो तो CO2 बन जाता है, कार्बन के साथ एक ऑक्सीजन कार्बन मोनोऑक्साइड होता है। यहाँ पे अपन ने एल्यूमिनियम के साथ ऑक्सीजन किया तो वो एल्यूमिनियम ऑक्साइड है, फॉस्फोरस के साथ ऑक्सीजन कर दिया तो फॉस्फोरस का ऑक्साइड बन गया। तो एलिमेंट के साथ ऑक्सीजन जो होता है वो ऐड होता है तो वो उसका ऑक्साइड बनाते हैं। ठीक है, ऑक्साइड मोस्टली 2 टाइप के होते हैं, सिंपल ऑक्साइड और मिक्स्ड ऑक्साइड। सिंपल ऑक्साइड का मतलब जो बहुत ही सिंपल है, ठीक है, और जिनमें मतलब एक नॉर्मल टाइप के ऑक्साइड से, जैसे बाइनरी कंपाउंड हो गए, FeO हो गया, PbO हो गया, ठीक है, CO हो गया, ये सारे नॉर्मल टाइप के हैं और बहुत ही सिंपल है। इनका जो
कंपोजिशन है वो बहुत ही सिंपल है, इसलिए इनको सिंपल ऑक्साइड बोला जाता है। और सिंपल ऑक्साइड में तीन से चार टाइप के अपन ऑक्साइड पढ़ेंगे, एसिडिक ऑक्साइड, बेसिक ऑक्साइड, न्यूट्रल ऑक्साइड और एम्फोटेरिक ऑक्साइड। एसिडिक ऑक्साइड फर्स्ट अपन देखते हैं। एसिडिक ऑक्साइड, एसिडिक ऑक्साइड मतलब ऐसे ऑक्साइड जो वाटर के साथ रिएक्ट करने पर एसिड का फॉर्मेशन करते हैं। जैसे जैसे आपको यहाँ पे SO2 लिखा हुआ दिख रहा है, तो वाटर के साथ जब अपन SO2 की रिएक्शन करवाते हैं तब अपने को H2SO3, ये एक एसिड है, ठीक है, ये एसिड अपने को देखने को मिलता है। मतलब एसिडिक ऑक्साइड मतलब ऐसे ऑक्साइड जो वाटर के साथ रिएक्ट करेंगे और आपको एसिड प्रोवाइड करवाएंगे, उनको एसिडिक ऑक्साइड बोला जाता है। और दो सेकंड आते हैं बेसिक ऑक्साइड। बेसिक ऑक्साइड का मतलब ऐसे ऑक्साइड से है जो वाटर के साथ रिएक्ट करते हैं और आपको क्या मिलता है, बेस मिलता है। जैसे वाटर के साथ जब कैल्शियम ऑक्साइड की रिएक्शन की जाती है तब अपने को कैल्शियम हाइड्रोक्साइड मिलता है जो कि बेस है, ठीक है। तो इसका मतलब बेसिक ऑक्साइड में आ गया, जिसमें एग्जाम्पल है सोडियम ऑक्साइड, कैल्शियम ऑक्साइड, बेरियम ऑक्साइड। उसके बाद बात करते हैं एम्फोटेरिक ऑक्साइड। एम्फोटेरिक ऑक्साइड का मतलब ये है कि जो एसिडिक और बेसिक बिहेवियर दोनों ही शो करते हैं। कभी इनका बिहेवियर एसिडिक हो सकता है, इनका बिहेवियर बेसिक हो सकता है, तो उस हिसाब से इनको एम्फोटेरिक ऑक्साइड्स बोला जाता है, जिनमें जिंक ऑक्साइड, एल्यूमिनियम ऑक्साइड और बेरिलियम ऑक्साइड काउंट किए जाते हैं। उसके बाद एक जो आती है इसकी सीरीज, वो आती है न्यूट्रल ऑक्साइड की। मतलब ऐसे ऑक्साइड्स जो ना तो एसिड है ना ही बेस है, ना तो उसको आप एसिडिक बोल सकते हो ना उसको आप बेसिक बोल सकते हो, तो उनको न्यूट्रल ऑक्साइड बोला जाता है, ठीक है। और इसमें कुछ एग्जांपल्स आते हैं कार्बन मोनोऑक्साइड, NO और N2O, ठीक है। उसके बाद बात आती है कि मिक्स्ड ऑक्साइड क्या होते हैं। मतलब मिक्सचर ऑफ टू और मोर सिंपल ऑक्साइड इज नोन एज मिक्स्ड ऑक्साइड। मतलब कोई भी दो सिंपल ऑक्साइड आपने ले लिए और उनका जो मिक्सचर होता है उनको अपन क्या बोलते हैं, मिक्स्ड ऑक्साइड। जैसे Fe3O4 है, तो यहाँ पे कौन कौन से हैं, एक तो FeO होता है और एक होता है Fe2O3। ये जब दोनों ऑक्साइड होते हैं तब इनका जो मिक्सचर होता है वो Fe3O4 होता है। ऐसा कैसा, यहाँ पर होता है Pb3O4, है ना, तो यहाँ पे होता है PbO और PbO2, 2PbO and 2PbO2, ऐसा कैसा देखने को अपने को यहाँ पे मिलता है, ठीक है। Mn3 में होता है MnO और MnO2, ठीक है। तो इस तरीके से ये अपन मिक्स्ड ऑक्साइड के बारे में पढ़ते हैं कि कोई भी दो सिंपल ऑक्साइड्स हैं उनके मिक्सचर को क्या बोल दिया जाता है, मिक्स्ड ऑक्साइड बोल दिया जाता है। तो यहाँ पे क्या होता है कि जनरली क्वेश्चन कैसे पूछे जाते हैं कि जैसे आपको ये ऑक्साइड दे दिया SO2, SO2 की रिएक्शन करवा के दे दी, यहाँ पे SO2 का नेचर कैसा है या SO2 कौन से टाइप का ऑक्साइड है, तो आप यहाँ पे लिखेंगे SO2 एसिडिक ऑक्साइड है क्योंकि ये वाटर के साथ रिएक्शन करने पर क्या दे रहा है, एसिड दे रहा है। या फिर कभी कभी क्या किया जाता है कि डायरेक्टली पूछ लिया जाता है कि राइट एनी टू एग्जांपल्स ऑफ एसिडिक ऑक्साइड या राइट एनी टू एग्जांपल्स ऑफ बेसिक ऑक्साइड, ठीक है। तो ये अपने यहाँ पे डाइऑक्सीजन और सिंपल ऑक्साइड्स के बारे में कंप्लीट होता है। नेक्स्ट वीडियो में अपन आगे पढ़ेंगे, जिसमें अपन ओजोन के बारे में पढ़ेंगे और एलोट्रॉप जो मतलब सल्फर की एलोट्रॉपिक फॉर्म्स होती है उनके बारे में पढ़ेंगे। थैंक यू। वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। ओके, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।